चलो जी, तो आईएसएलएम कर्व का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरे क्वेश्चन में क्या देखा है, एक पहले दिया है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी इक्वल टू 100 + 3/5 YD, टैक्सेस दे रखे हैं 1/6 Y, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है आई इक्वल टू 210 - 10 I, गवर्नमेंट परचेज दे रखे हैं 200, नेट एक्सपोर्ट दे रखे हैं -10। अब नेट एक्सपोर्ट आ गया इसके अंदर, यानी कि अब हमें NXVM को जोड़ना पड़ेगा अपनी इक्वेशन में, ठीक है। मनी डिमांड है 1/4 Y - 5 I, नॉमिनल मनी है 300, प्राइस लेवल है 2, ठीक है। तो हम लोग इससे रियल मनी सप्लाई निकाल लेंगे, कैसे, 300 / 2 जो बताया था क्लास के अंदर, ठीक है। अब हमें करना क्या इसके अंदर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं डेराइव इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एंड मनी डिमांड, ठीक है। हमने वैल्यू ऑफ कंजम्पशन और मनी डिमांड निकाल लिया है, तो शुरू करें, क्वेश्चन रीड हो गया। चलो जी, तो करना कैसे है वही है, पहले हमें आई एस कर्व की इक्वेशन निकालनी है। आई एस कर्व की इक्वेशन वो क्या थी हमारी, वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अब यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट लिया तो ये एन एक्स में जुड़ जाए, ये ओपन मार्केट का है क्वेश्चन, ठीक है। ओपन मार्केट में नेट एक्सपोर्ट में जुड़ता है, तो वाई इक्वल टू सी, सी हमारा कितना है, सी हमारा 100 + 3/5 YD, तो सी हमें दे रखा है 100 + 3/5 YD। YD याद है आपको क्या होता है, Y - T प्लस आई है 210 - 10 J, वही 10 I, 210 - 10 I, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है 200 और नेट एक्सपोर्ट है -10, ठीक है। तो ये बन रही हमारी इक्वेशन, से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 100 + 200 + 210, 510। 3/5 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक पहले इसकी वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू थी 1/6 Y - 10 I। अच्छा, ये -10 भी था, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। ये आ गया 500 + 3/5 Y - 3/30 Y, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -10 I। अब ये दोनों का चले जाएंगे, Y - 3/5 Y + 3/30 Y = 500 - 10 I, ये कितना बन जाएगा, 30 LCM ले लिया, ठीक है, 30Y - 18Y + 3Y = 500 - 10 I, तो आ गया 30 + 3 = 33, 33 मैंने 18 गए, कितना हुआ 15 by 30Y = 500 - 10 I, ये कट जाएगा 1/2, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई जाएगा, तो Y = 1000 - 20 I, तो ये आ गया हमारी आई एस कर्व की इक्वेशन, ठीक है। अब हम लिखाएंगे एल एम कर्व की, निकालेंगे इक्वेशन, एल एम कर्व की इक्वेशन ये होती है हमारी MS = MD। MD हमें गिवन है कितनी, 1/4 Y - 5 I, ठीक है। MS हमें निकालना पड़ेगा, MS हमारा बनेगा M/P, P हो जाएगा 300/2 यानी 150, तो 150 = 1/4 Y - 5 I, ठीक है। फाइव फाइव इस तरफ आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये इधर एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/4, हमें इधर 4 इधर फेंकना है, तो इधर मल्टीप्लाई हो गए Y - 600 और ये 4 इधर हो जाएगा 20 I, ठीक है। अब ये I = 1/20
वाई माइनस 600 बाय 20, ठीक है, तो जो कतला काट देंगे ये हो गया 1/20 वाई माइनस 30 आई, ये हमारी बन जाएगी एलएम करके इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। ये इक्वेशन टू हो जाएगी, वो हमारी थी इक्वेशन वन। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, वाई और आई निकाल लेंगे हम लोग इन दो इक्वेशन से। ओके, तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, वाई इक्वल टू 1000 माइनस 2y, और दूसरी आई इक्वल टू 1/20 वाई माइनस 30। अब y की वैल्यू इसमें फर्स्ट में पुट कर लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन वन, ताकि y इक्वल टू 1000 माइनस, ये कितना था, ये 2i था, 20i था, 20i था, तो 20i था, तो ये हो गया 20 इंटू में 1/20 वाई माइनस 30, तो हो गया 1000। 20 अंदर बढ़ जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, वाई इधर आके प्लस हो जाएगा, वाई प्लस वाई, ये हो गया 1600, ठीक है, तो 2y इक्वल टू 1600 एंड y इक्वल टू 800, तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू दूसरे में पुट कर लेंगे, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन टू, तो i इक्वल टू 1/20 इंटू 800 माइनस 30, तो ये कट गया, जाएगा 40 माइनस 30 कितना हो गया 10%, तो ये आ गया हमारे पास, y आ गया 800 और i आ गया 10%, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। हमें हमें क्वेश्चन में निकालना है कि हमें क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कंजम्पशन निकालना है, हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कंजम्पशन हमसे पूछा क्वेश्चन में, और कंजम्पशन हमें क्या दिया क्वेश्चन में, वो दिया 100 प्लस 3/5 वाई डी, ठीक है, ये हो गया 100 प्लस 3/5 वाई माइनस टैक्स, वाई माइनस टैक्स यही होता है, ये हो गया 100 प्लस 3/5, अभी वाई वाई ये टैक्स कितना था, टैक्स था 1 माइनस बाई 6y, ठीक है, ये हो गया 100 प्लस 3/5 इंटू 5/6y, 5 से 5 कट गया, ऐसे ये कट गया, तो आ गया 100 प्लस 1/2 वाई, और y की वैल्यू तुम्हें पता है, y की वैल्यू क्या है, 400, तो 1/2 इंटू में 800, ये कट गया 400, तो ये आ गया हमारा 500, तो इक्विलिब्रियम कंजम्पशन हमारा क्या आ गया 500, ठीक है, यही क्वेश्चन ने हमने पूछा था, एक पार्ट हो गया। अभी हमने और क्या निकालना, हमने एम डी निकालना है, तो बताया एम डी निकालते, तो एम डी एम डी हमें क्या गिवन है, एम डी हमें गिवन है 1/4y माइनस 5i, ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करनी है, 1/4 इंटू में 800 माइनस 5 इंटू में रेट, ये कट गया, ये आ गया 200, 200 माइनस 50 तो कितना आ गया 150, ठीक है, तो एम डी हमारा 150 आ गया, और वैसे भी एम डी इक्वल टू एम एस होता है, तो आप चाहो तो वहाँ से भी आंसर दे सकते हैं, एम एस हमारा 150 था, तो एम डी भी हमारा 150 हो जाएगा, ठीक है, इससे भी आंसर दे सकते हैं, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, समझ में आ गया सारा, एम डी निकाल लिया 1/4 वाई माइनस 5i, वाई की जगह वाई की वैल्यू, आई की जगह आई की वैल्यू, अभी कैलकुलेशन 150, ठीक है, चलो तो ये हो गया क्वेश्चन।